हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BioP53 में। चलिए आज हम देखते हैं आश्रम पद्धति के जो सारी जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल डिजीज इज कॉज्ड बाई, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। लार्जेस्ट एंड फ्लाइटलेस टू टॉयस बर्ड इज, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की। ट्रॉपिकल प्लांट लाइक सुगर केन शो हाई इफिशियंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बिकॉज ऑफ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइस एंड स्लेक साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच सॉरी स्पीसीज दैट मेंटेन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 45 की। द एल्कलॉयड कोल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका देखते हैं क्या है, ए है। ठीक है, ड्राइड फॉर्म ऑफ कॉर्न ऑफ कॉल्चिकम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द फंक्शन ऑफ निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग इज, इसका जो ऑप्शन देखते हैं क्या है, प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चरिंग ऑफ द आईज। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। Which one of the following is called tree fern? ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी साइथिया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। Which plant show velamen layer in roots? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी वादा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। कैमल आर फाउंड इन एशिया बट रिलेटेड लामाज इन द इंडीज, दिस इज एन एग्जाम्पल। हमारे अकॉर्डिंग इसका डी होना चाहिए आंसर। अगर आंसर गलत है, आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हाइड्रा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्राइमरली अ पाइक्लोथर्म, करेक्ट ऑप्शन लिजार्ड ऑप्शन बी। ठीक है, बात करते हैं 52 की। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली डिजीज इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट इसका। ठीक है, अस्टलेगो हार्डी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 53 की। बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शन करेक्ट कार्लिनियस सी। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बास्ट फाइबर, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी जूट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ एटीपी फॉर ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तीन है, फर्स्ट ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फास्फेट, एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 कह रहा है ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ व्हिच ग्रुप, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीवर वार्ट्स ऑप्शन ए। ठीक है, बात करते हैं 57 की। मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो, ठीक है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। एन एग्जांपल ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल इन प्लांट इज, जो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ट्रेकिस्ट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। आइवरिस अमारा सेम कैंडिडेट कहते हैं प्लांट इज अ मेंबर ऑफ डाइकोटिलीडन्स फैमिली, ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी इसका क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक है ये है ऑप्शन बी टॉर्पिडो कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बोथ नर्व्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्काइसोसीलोम, इसका आंसर हमें बिल्कुल नहीं कंफर्म है, हमारे अकॉर्डिंग डी होना ही चाहिए, बाकी देखते हैं क्या आंसर है, जो भी होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 63 कोकेन एल्डिंग प्लांट इज, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आई थिंक ऑप्शन ए है इसका इरिथ्रोजाइलम। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 64 की बात करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द टू आर्टरीज एंड वन वेन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी वार्टन जेली। ठीक है, 65 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली क्या मैच नहीं हो रहा है पूछा है, सी नहीं मैच हो रहा है, साइकस रिवोल्यूटा बिंग पॉलन ग्रेन्स में पाइनस में पाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका सी। 66 इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा सेव्ड वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, आई थिंक रेकिसी है,
अगर लीफलेट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 67 की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, डीएनए रिपेयर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, द मेटल इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज, करेक्ट ऑप्शन पोटेशियम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन ईच ट्रांसवर्स रो ऑफ रेडुला ऑफ पाइला ग्लोबोसा, ऑप्शन सी 7। ठीक है, बात करते हैं 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटेगुमेंट गिव्स राइज टू द ग्लैंड एंड क्रिएटिन स्ट्रक्चर इन रैबिट्स। हमारे अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होना चाहिए, बाकी देखिए हो सकता है स्ट्रेटम लिसिडियम भी इसका करेक्ट आंसर हो, अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर आर फाउंड इन, करेक्ट ऑप्शन ओसियान। ठीक है, इन बाइवॉल्व व्हिच स्ट्रक्चर सेक्रेट पर्ल। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मेंटल लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन साइटोपस, सॉरी सिस्टोपस कैंडिडस। ठीक है, इसे को हम क्या बोलते हैं, अल्विगो कैंडिडस। क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वुड लाइकली बी फाउंड इन द टिश्यू लाइनिंग द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द एंड रिलीज म्यूकस, ऑप्शन ए गॉबलेट सेल्स, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, इन मैमेलियन टेस्टिस एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर सी ही है, अगर दूसरा आंसर होगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लावर बॉर्न बाय टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज प्रोसेस इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन जीटोनोगैमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यही है सी। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 की, एर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, क्लेबिसेप्स। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 80, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइट मसल्स, आई थिंक इसका जो आंसर है ऑप्शन टेंसर लॉन्गेस्ट ही है, चेक कर लीजिएगा, अगर तो आंसर दूसरा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड वेव आर फाउंड इन नेचर, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, आई थिंक करेक्ट आंसर बी 2। क्वेश्चन नंबर 82, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडिक्स ऑफ फ्रॉन द पोडो ब्रांच इज अटैच्ड, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए सेकंड मैक्सिलिफेरा। ठीक है, क्वेश्चन 83 मैच ऑफ द फॉलोइंग था, इसको मैच करेंगे, क्लोव जो है वो मिर्टेसी फैमिली का एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक, बात करते हैं 84 की, द सेंट्रल स्थल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी इंसेक्ट। ठीक है, बात करते हैं हम 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नेवर रीजनरेट, ऑप्शन सेकंड सॉरी बी लीज। ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, हु हैज डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी एंजियोस्पर्म में स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन नमस्ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी अ नॉर्मल मेल दियर चिल्ड्रन विल बी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्लड ग्लैंड, इसका करेक्ट ऑप्शन फेरेटिमा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, इसका नाम भी कॉमन है रिंगवर्म। ठीक है, 90, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, करेक्ट आंसर कैडमियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, इफ अ टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विद ई ए ई देन इट रेफर टू हिज स्टेटस, करेक्ट ऑप्शन बी ट्राइब। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, द जिम्नोस्पर्म वुड आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज सॉफ्ट वुड, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन बी, लैकिंग वेसल्स। ठीक है, क्वेश्चन 93, मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग मैथ्स करेंगे, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, 94
क्वेश्चन का है भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसका जो क्वेश्चन था ट्रिकी था थोड़ा। टॉल्यूडीन डाइस जो है इसको हम न्यूक्लिक एसिड के स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद में सैफ्रिनिन को लिग्निन के लिए करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बात करते हैं 95। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर ब्लैक पेपर ही है, ब्लैक गोल्ड ब्लैक पेपर। क्वेश्चन 96, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ट्रिकी क्वेश्चन। नेल जो है अंगियोस में देख लो एक ही मैच करता है, नखर हिंदी देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, सॉरी सी नहीं है, डी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सी है, क्या कर रहे हैं, करेक्ट आंसर सी ही है। ठीक है, बात करते हैं 97। एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पी फंगस, आई थिंक इसका ऑप्शन बी अगेरिकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेट अप इन, जीएस का क्वेश्चन सीधे सब्जेक्ट में, इसका करेक्ट ऑप्शन चेन्नई है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 99। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पंज, जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दे पॉसेस कोएनोसाइट्स। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन, ऑप्शन ए सर्टेन केमिकल, करेक्ट ऑप्शन बी रेडिएशन, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, केमिकल एंड रेडिएशन बॉथ। ठीक है, स्टैनली वी पर्स्यूनर इन 1982 सजेस्टेड काज ऑफ स्कॉर्पियन सी, दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड एंड नो न्यूक्लिक एसिड, आर दे वर कॉल्ड, इसको इन्होंने क्या बोला था, प्रियॉन्स बोला था, करेक्ट ऑप्शन ए। 102 की बात करते हैं, स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा, करेक्ट ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक। 103 की बात करते हैं, हाइपेंथोडियम इज प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ फ्लावर, आई थिंक इसका पेरिगा इपिगाइनस होना चाहिए, अगर करेक्ट नहीं है तो आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा करेक्ट इसका क्या है। ठीक है, बात करते हैं 104 की। इन इंडिया व्हिच IUCN प्रोटेक्टेड कैटेगरी इज लार्जेस्ट इन नंबर, आई थिंक इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, नेशनल पार्क। हम बात करते हैं 105 की। द ग्रीन कलर ऑफ सॉरी द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गिजू क्लोरेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। द बेस्ट नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन व्हिच जिम्नोस्पर्म इज केप्ट इन बिटवीन डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन वाज प्रपोज्ड बाय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम एंड हूपर। ठीक है, बात करते हैं 107। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर टेक्स प्लेस एट, करेक्ट ऑप्शन एनएफएस सेकंड। 108 की बात करते हैं, व्हाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर मीडियम सम टाइम एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड, ठीक है, तो इसको क्यों ऐड करते हैं, एज अ कार्बन सोर्स। ठीक है, 109 की बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेनेसेंस, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, प्रोटीन्स। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, सभी ने गलत किया होगा आई थिंक। 110, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जिसका करेक्टली मैच पूछा था वो नहीं है, वो है ऑप्शन डी इसका। ठीक है, रेफ्लेसिया इस टोटल रूट पैरासाइट। 111 की बात करते हैं, 1967 डिनर एंड रेमर रिपोर्टेड काज ऑफ पोटेटो स्पाइनल ट्यूबर, सम ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कैप्सूल, दे वर कॉल्ड, इन्होंने क्या इसको बोला, वायरॉइड्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। मैच ऑफ द फॉलोइंग है 112, इसको मैच करेंगे सीलस ऑन थ्योरी, सब जानते हैं सेल थ्योरी थी, एक ही ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन डी। ठीक है, बात करते हैं हम 113। अ किडनी स्टोन इज, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा था इन्होंने, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, साल्ट सच एज ऑक्सलेट क्रिस्टलाइज। 114, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम पोरीफेरा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई थिंक इसका डी है, चेक कर लीजिएगा यही होना चाहिए। 15, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, चेक कर लीजिए, मीसोजोइकेरा एज ऑफ रेप्टाइल्स, डार्विन फिंसेस, गैलापागोस आइसलैंड, स्फिनोडॉन, लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सेकंड जरा हम चार्जर छोड़ दें लैपटॉप का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 116 है, और 116 देखते हैं क्या कह रहा है।
116 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सेंट्रल चैम्बर एबिस। बात करते हैं 117 की, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूरोथ्रिक्स होल आर प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल मे राउंड ऑफ एंड फॉर्म अ थिक वॉल्ड इज फॉर व्हिच आर नॉट सिलिएटेड, नॉट सिलिएटेड दैट मींस ये क्या हो जाएगा, एप्लेनो स्पोर, ठीक है, ऑप्शन सी। 118 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सभी जानते हैं, ऑप्शन डी XXY। 119 द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन स्टिमुलेटेड बाय कांटेक्ट विद अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हेप्टोट्रॉफिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन पिजन इज, करेक्ट ऑप्शन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये थे सारे के सारे 80 क्वेश्चन आसनम पद्धति के, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपको रॉन्ग लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।